हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, दो दिन के गिरावट के बाद आज एक सही मूव दिखाया निफ्टी में। निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है और आज आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने तो किया है। ग्रेफाइट इंडिया दो दिन पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था, अभी फिर दिखा रहा हूँ। आज फिर प्रॉफिट बुक किया है। दो बार मैं 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक कर लिया है। कोई स्क्रीन शॉट नहीं दिखाऊँगा आज किसी मेम्बर का प्रॉफिट का। एक शेयर की एनालिसिस है जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बोल रहा हूँ इस शेयर को खरीद के भूल जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, बताऊँगा क्यों देके जाएगा। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ये शेयर का नाम है। कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल मेंबर ने पूछा था लाइव मार्केट में ही कि सर ये शेयर बाय कर लूँ। मैंने ऐसी चार्ट देखा उसका और मुझे ऑल टाइम हाई के आसपास लगा, तो मैंने उसको मना कर दिया। यस, ये मेरी गलती थी। बट फिर मुझे याद आया कि मुझे इसी स्टॉक की एनालिसिस करनी चाहिए। फिर मैंने देखा कि स्टॉक में पोटेंशियल है, तो जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करूँगा। 52 वीक का हाई है इसका 161, जो इसने कल ही लगाया था। 52 वीक का लो है 71.5। क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है 12,40,102। डिलीवरी क्वांटिटी है 4,96,219। 40.01% की डिलीवरी। ये है इनकी वेबसाइट BLSinternational.com। अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो अगर आप इनकी सर्विस देखोगे, वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज, सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विसेज, कंसुलर सर्विसेज, ई वीज़ास, बायोमेट्रिक एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, वेरिफिकेशन एंड अटेस्टेशन सर्विसेज, वैल्यू एडिड सर्विसेज, जो ये सर्विस दे रहे हैं, आप थोड़ा गौर करके सोचना क्या ये सर्विस कोई और कंपनी भी दे रही है। शायद दे रही हो बट मुझे ना पता हो, बट मेरे हिसाब से एक काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक है। कल की न्यूज, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज शेयर प्राइस टच 52 वीक हाई पोस्ट रोबस्ट अर्निंग्स। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज नेट प्रॉफिट एट 20.3 करोड़ इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 20.3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनका। अच्छा प्रॉफिट किया है इन्होंने और तभी इनका शेयर कल ऑल टाइम हाई टच कर गया। स्टॉक के बारे में बात करेंगे। मार्केट कैप 1,555 करोड़ की। कोई डेट नहीं है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है 74.24 से 74.59। FII 4.08 से 0.75 घटा दिया स्टेक। DII 0.09 से 0 ख़त्म कर दिया है। पब्लिक की बढ़ी है 21.59 से 24.51। अदर्स की भी बढ़ी है 0.16। चार्ट की एनालिसिस करते हैं। वनडे का चार्ट है 73 के आसपास में RSI है। एनालिसिस मैंने चार्ट देखा सिर्फ इतना ही, बाकी अगर मैं पुरानी हिस्ट्री देखूं तो वो भी दिखाऊंगा। ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए गया ऊपर, 123 के आसपास में सपोर्ट लिया, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में रहा, उसके बाद से एक बड़ा मूव 160 के आसपास। तो आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मेंबर को दिया है ये स्टॉक 148 के आसपास में, कि लॉन्ग टर्म के लिए ले जाओ, होल्ड करके रखना, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। एक वीक की बात करते हैं, तो एक वीक में जब मैंने इसकी एनालिसिस देखी तो यहाँ पे ये स्टॉक 10:1 मैं एडजस्ट हुआ। स्टॉक ऊपर गया 292 फिर नीचे। अब अगर ये स्टॉक 10:1 में स्प्लिट हुआ है तो आप समझ सकते हो कि कितने का स्टॉक होगा। ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए ऊपर गया और जब इसने 148 के आसपास में ऊपर ब्रेक किया तो मैंने ये स्टॉक दिया कि आप ले जाइए, इस स्टॉक को बाय कर लीजिए। भर भर के क्वांटिटी बाय मत करना, थोड़ी क्वांटिटी बाय करना। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक है जिसकी एनालिसिस मैंने की है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, बेस्ट एनालिसिस है। आप कहाँ तक इसमें पोटेंशियल देख रहे हो वो आप देखो। आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ नहीं करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। मेरी ये अपनी राय है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।